दोस्तों कोई भी काम कर लो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी यानी हौसला। और इस चैनल पे एनर्जी का काम कर रहे हैं आपके कमेंट्स, कुछ बुद्धिजीवियों के कमेंट्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं आज, जो एक कह सकते हैं कि मेरा हौसला बढ़ाते हैं, ताकि मुझे एक नई एनर्जी मिले, एक नया उत्साह मिले, ताकि मैं नई नई जानकारियां खोजता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच.पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं प्यारे प्यारे उन कमेंट्स को। सबसे पहला ये कमेंट्स हम ले लेते हैं राजवीर जी नायक का। राजवीर जी नायक लिखते हैं, चिंतित रहो मेरे समाज के लोगों, हर रोज एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बेटा बेटियों को जरूर पढ़ाओ और समाज में नई रोशनी फैलाओ। शिक्षा वो शेरनी है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। बिल्कुल सही बात लिखी है आपने राजवीर जी की, समाज में अगर शिक्षा होगी तो समाज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और मेरी समाज के हर उन व्यक्ति से गुजारिश है कि एक रोटी कम खा लीजिए। यानी इनका कहने का मतलब है, अगर हमारी जरूरतें ज्यादा है तो उसमें से थोड़ा सा बचा के रखिए, लेकिन शिक्षा से जुड़िए। और राजवीर जी के दो तीन और कमेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में पिक नहीं कर पाया, लेकिन उसमें भी एक समाज के प्रति एक ऐसा संदेश लिखा है, सुनकर आप एक गर्व महसूस करते हो। तो चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। ये आया है हमारा दिल्ली से अंकित नायक का। इसने लिखा है, इस समय हमारे समाज को शिक्षा और व्यापार की जरूरत है। बिल्कुल, जो मौजूदा सिचुएशन है इसके अंदर समाज में शिक्षा जरूरी है, और व्यापार इसलिए जरूरी है ताकि व्यापार के माध्यम से हमारे लोग की जरूरत पूरी हो सके और लोग आगे बढ़ सके। व्यापार करना जरूरी है और व्यापार शिक्षा के बिना व्यापार नहीं किया जा सकता। अगला कमेंट है राजेश कुमार जी का। आपने जो बताया वह राजा महाराजाओं के समय में सेना की जो टुकड़ी होती थी उसके जिसकी जिम्मेवारी जो लेता था उसे नायक की उपाधि दी जाती थी, चाहे वो किसी भी जाति का हो। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने जो बात लिखी है वो गुप्त काल की थी, और गुप्त काल में जो वर्तमान सिचुएशन है, नायक एक उपाधि है लेकिन उसी टाइम में भी उपाधि थी। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी, मान लीजिए नायक तो एक उपाधि हो गई, लेकिन मूल जाति कौन सी है? मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि जो मूल जाति या इतिहास है वो क्या है। नायक तो एक उपाधि है। तो अगला कमेंट लेते हैं विपिन चंद्र बगोरा। ये लिखते हैं, आप हर भीत राजा का अलग अलग और ज्यादा डिटेल के साथ वीडियो बनाएं। बिल्कुल भाई साहब, जरूर बनाएंगे, क्योंकि समय की प्रॉब्लम चलती है। मैं ई मित्र का काम करता हूँ, साथ में दुकान पर भी जाता हूँ, साथ में समाज के लिए जितना हो सकता है कम से कम टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही समय मिलेगा मैं अलग अलग राजाओं की अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हमारे मेल एड्रेस nh.news@gmail.com पे भेज सकते हैं। अगला कमेंट हम पिक कर रहे हैं हेमराजी कड़वा का। ये लिखते हैं कि भाई साहब आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है और व्यूज कम आते हैं, तो इनके पीछे का क्या रीज़न है? इनके पीछे का रीज़न एक तो ये रात कि मैंने लगभग 2 साल का बीच में गैप दे दिया। जो उस टाइम रेगुलर थे वो मेरे मेन सब्सक्राइबर है जो आप अभी देख रहे हो, और उसके बाद जैसे मैं बीच में गैप दे दिया तो वो उनका आना कम हो गया चैनल पे, इस कारण से व्यूज कम हो गए। यानी कह सकते हैं कि चैनल फिलहाल फ्रीज है, और अब मैं रेगुलर वीडियो कर दिया है तो धीरे धीरे चैनल की रैंक है वो बढ़ रही है। तो अगला कमेंट ले लेते हैं एक मेरी रिमेक्स डीजे सॉन्ग्स। भाई आपके कमेंट आते हैं, लेकिन आपका नाम क्या है वो प्लीज़, या तो आप अपनी रियल आईडी से कमेंट कीजिए या फिर अपना नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। और अगला कमेंट लेते हैं देव सिंह जी का। तो देव सिंह जी ने लिखा है कि पहली बात, एकलव्य और कर्ण दोनों ने द्रोणाचार्य से पूर्ण शिक्षा ली, परंतु ब्रह्मास्त्र में योग्य केवल अर्जुन ही था। और बाकी का कमेंट आप पढ़ लीजिए। तो भाई साहब देव सिंह जी,
पहली बात ये है कि उस टाइम में जातिवाद था वो बहुत एक कह सकते हैं कि एक चरम सीमा पर था। तो एक आदिवासी को शिक्षा देना उनके लिए उचित नहीं था, क्योंकि अभी तो कम है जो छुआछूत जैसा घिनौना कह सकते हैं कि जो कुरीतियां हैं वो अब तो कम है, लेकिन उस टाइम में सबसे ज्यादा थी। और दूसरा है, दूसरा आपने सवाल किया है कि ब्रह्मास्त्र में केवल अर्जुन ही निपुण था, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इतिहास आपने पढ़ा है तो इसके आगे की भी कड़ी पढ़ ले। इसमें एक कहावत भी चल रही है कि भीलों ने गोपियां लूटी, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अगर अर्जुन इतना ही बड़ा ज्ञाता था तो उस टाइम जिस टाइम भीलों ने गोपियों को लूटा था तो उस टाइम काम गया था। और दूसरी बात, अगर ये इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो एकलव्य भील को क्यों मारा, और एकलव्य भील के बेटे को क्यों मारा, उनका अंगूठा क्यों काटा? सोचने लायक बात है दोस्तों। हमें जो इतिहास पढ़ने को मिल रहा है फिलहाल उसमें थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको सच्चाई सामने मिल जाएगी। अगर हम इन्हीं लोगों की कॉपी पेस्ट करते रहे तो जो मूल हिस्ट्री है वो तो दबी की दबी रह जाएगी, उसे हमें दुनिया के सामने लाना है। और अगला कमेंट ले लेते हैं कालराम जी का, नायक समाज का सॉन्ग बनाइए। पहली बात तो ये भाई कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, और जो हमारे समाज के साथी जो सिंगर है सिंगिंग का काम करते हैं उनसे खास रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई समाज से रिलेटेड कोई भी सॉन्ग हो तो आप बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतने ही कमेंट पिक किए थे, इसके मन में जो भी राय हो कमेंट में लिखिए ताकि आने वाले वीडियो में पिक किया जा सके आपके प्यारे प्यारे शब्दों को। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए NH Point YouTube चैनल को।